बिग बॉस ओटीटी 3 में कई शानदार कंटेस्टेंट ने एंट्री ली थी। सना मकबूल ने उन सभी को पीछे छोड़ते हुए बिग बॉस ओटीटी 3 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के होस्ट अनिल कपूर थे, रणवीर शौरी, सना मकबूल, साई केतन राव, नेजी और कृतिका मलिक बिग बॉस ओटीटी 3 के टॉप 5 फाइनलिस्ट में शामिल थे। इनमें से सना मकबूल को बिग बॉस ओटीटी 3 का विनर घोषित किया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन है सना मकबूल और वो कितनी पढ़ी लिखी हैं। सना मकबूल मुंबई की रहने वाली हैं। उनका जन्म 13 जून साल 1993 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। उनकी उम्र 31 साल है। सना मकबूल का नाम पहले सना खान था, फिर उन्होंने अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम लगाना शुरू कर दिया। सना के पिता का नाम मकबूल खान है। उनकी बड़ी बहन शफा नईम खान एक बिजनेस वुमैन है। सना की मां मलयाली है। सना ने कम उम्र से ही अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी थी। मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी उन्होंने 15 साल की उम्र में नाता जोड़ लिया था। बिग बॉस ओटीटी 3 विजेता सना मकबूल ने मुंबई से पढ़ाई लिखाई शुरू की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी में बताया गया है कि सना मकबूल ने 12वीं तक मुंबई पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में ही स्थित आरडी नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। जानकारी के मुताबिक उन्होंने स्कूल के दिनों में पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। तब वो हर दिन स्टूडेंट से 100-200 रुपए लेती थी। 8वीं क्लास में सना मकबूल को उनका पहला मोबाइल फोन नोकिया 1100 मिला था। 15 साल की उम्र में उन्होंने उनका पहला एड मिला था। उसके बदले में उन्हें 10,000 रुपए का पे चेक भी दिया गया था। इसे इनकी पहली बड़ी कमाई माना जा सकता है। साल 2009 में सना मकबूल को रियलिटी शो MTV स्कूटी टीम दीवा में देखा गया था। फिर साल 2012 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में उन्होंने फेमिना मिस ब्यूटीफुल स्माइल का टाइटल भी जीता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सना मकबूल की नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रुपए है। सना मकबूल ने कम समय में काफी लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने स्टार प्लस के सबसे चर्चित टीवी शोज में से एक इस प्यार को क्या नाम दूं में लवण्या नाम का किरदार निभाया था। उन्हें सोनी सब के आदत से मजबूर और कलर्स टीवी के विश में भी देखा गया था। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है। साल 2020 में उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद उन्हें अपने चेहरे के कुछ हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी और ग्राफ्टिंग करवानी पड़ी थी। फिर साल 2021 में वो खतरों के खिलाड़ी के सेमीफाइनल तक पहुँच गई थी। इसमें प्रति एपिसोड उन्हें 2.5 लाख रुपए मिलते थे। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।